तो नमस्ते मेरे सभी भाई लोगों को। आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने लोकल सर्वर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो एक डोमेन में। अगर आप एक डेवलपर हैं या फिर कोडिंग लर्न कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम्प के अंदर लोकल सर्वर का नेम चेंज करना बताऊंगा, वैम्प के अंदर नहीं बताऊंगा, क्योंकि वैम्प को हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली एग्जाम्प होता क्या है? एक्चुअली एग्जाम्प एक लोकल वेब सर्वर है जिसकी हेल्प से डेवलपर्स अपने प्रोग्राम्स को टेस्ट कर सकते हैं, जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट बनाए हैं उनको टेस्ट कर सकते हैं एज अ लाइव सर्वर के जैसे। बस फर्क ये रहेगा कि इस सर्वर को आपके अलावा कोई और एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो एग्जाम्प की हेल्प से आप अपने प्रोजेक्ट्स को लाइव एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ और मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। दोस्तों मैं आ गया हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर जाना है, sacno.com। देन यहाँ पे हमारी वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी विद इन 5 सेकेंड्स के अंदर। तो यहाँ पे आपको जस्ट सिंपल सर्च करना है, यहाँ पे डालना है आपको लोकल होस्ट। वेट, लोकल होस्ट, लोकल होस्ट डाल के आप यहाँ पे जैसे ही सर्च करते हो तो सिंपल आपको यहाँ पे लोकल होस्ट के नाम से चेंज लोकल होस्ट टू अ कस्टम डोमेन नेम इन एग्जाम्प वैम्प विंडोज़ के नाम से एक आर्टिकल मिलेगा। सिंपल आपको इसको ओपन कर लेना है। देन आपको इसे ओपन करने के बाद सिंपल यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल्स वगैरह दी हुई है कि क्या रहता है, कैसे काम करता है। आपको सिंपल यहाँ पे स्टेप्स पे आना है। सबसे पहले हमारा क्या होगा, सबसे पहले हमें विंडोज़ की जो होस्ट फाइल है उसको अपडेट करना है। उसको अपडेट करने के लिए यहाँ पे जो स्टेप बना है उसमें मैंने बताया है कि विंडोज़ में जाना है, देन System32 में जाके एक होस्ट के नाम से फाइल है उसको एडमिनिस्ट्रेटर में ओपन करना है। देन उसके बाद ये वाली जो एक लाइन लिखी होगी 127.0.0.1 के नाम से, उसमें कस्टम डोमेन हमें इन द एंड इस कोड की तरह है, इसको कॉपी करके देन वहाँ पे जाके पेस्ट करके सेव कर देना है। तो सिंपल इसको हम यहाँ पे देखो कॉपी करेंगे, जस्ट इजी हो जाएगा हमारे लिए इसको फाइंड करना। हम खोलेंगे अपने फाइल मैनेजर को, सिंपल यहाँ पे हम जाके इसको पेस्ट कर देंगे देन एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखो आने के बाद सिंपल लो होस्ट के नाम से फाइल बता रहा है यहाँ पे, जैसे ये कह रहा है होस्ट फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे होस्ट को ओपन कर लेंगे, आपको इस पे राइट क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको सिंपल इसे ओपन विद कोड पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये ओपन हो जाएगा, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल ये फाइल हमारी ओपन हो चुकी है। एक मिनट, ओपन होने में टाइम लगेगा थोड़ा। अगर आप इसको यहाँ पे सेव करते हो तो ये फाइल यहाँ पे सेव हो जाएगी, नहीं होगी सेव, नहीं होगी, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर का पूछेगा, ठीक है। तो यहीं पे इसको आपको कैंसिल कर देना है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, सिंपल आपने इस पे राइट क्लिक किया, ओपन विद कोड किया, ठीक है, उसको सेव करने का ट्राई किया, नहीं हुआ तो उसको कैंसिल कर दिया। देन यहाँ पे जाने के बाद आपको फिर से विजुअल कोड डालना है, देन इस पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, देन इसको यहाँ पे यस कर देंगे, वो उसी फाइल की लोकेशन पर खुल जाएगा। ये हमारी होस्ट फाइल आ गई है। अब होस्ट फाइल के अंदर आपको सिंपल इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद नीचे आना है, यहाँ पे आपको पेस्ट करके देन यहाँ पे google.local लिख देंगे, देन इसको यहाँ पे सेव कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारी सेव हो चुकी है बिना कोई एरर के। अब इसको यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब हमारा पहला काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो दूसरा काम है वो आता है अपाचे वर्चुअल होस्ट को अपडेट करना। तो उसके लिए सिंपल पहला स्टेप में जाना है इस वाली लोकेशन के अंदर, देन इस वाली लोकेशन को भी यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, पेस्ट। तो इसके अंदर हमारा जो फाइल है httpd.vhost.config के नाम से, तो इसको हम ओपन कर लेंगे vhost.config। सिंपल इसको हमें ओपन कर लेना विजुअल कोड के अंदर, और ये वाला जो कोड है सिंपल इस कोड को हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, देन इसमें सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे देखो आपका जो सर्वर नेम है, जो अभी आपने लोकल अपना एक डोमेन बनाया था उस होस्ट में जाके, तो सिंपल उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सॉरी लोकल ऐसे। अभी इसको डोमेन को एलाइज में भी लिख देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये वाला हटा दूँगा मैं यहाँ से, मेरे को इसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं इनकी मेरे को ज़रूरत नहीं है। इतना लिखने के बाद अब देखो आपका जो प्रोजेक्ट है, आप या तो चाहो HT docs के लिए कंप्लीट के लिए google.local दे सकते हो,
या फिर आप किसी स्पेसिफिक फोल्डर के लिए जिसमें भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसको एक स्पेसिफिक डोमेन दे सकते हो। जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ अपने, जैसे मेरा लोकल होस्ट पे चल रहा है, लोकल होस्ट स्लैश थीम पोर्टल, जैसा मेरा ये चल रहा है अभी लोकल होस्ट पे चल रहा है मेरा। एक मिनट, सर्वर स्टार्ट करना है अभी, स्टॉप एंड स्टार्ट। तो इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, इतना टाइम क्यों ले रहा है, एक मिनट। हाँ तो ये लोकल होस्ट पे हमारा खुल के आ रहा है। तो सिंपल अभी इसको अगर हम ट्राई करें यहाँ पे गूगल डॉट लोकल पर ओपन करने का, देखो यहाँ पे जी का एक साइन आ रहा होगा तो ये गूगल पे जाके हमें रिडायरेक्ट कर देगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे HTTP देन इसको यहाँ पे इस तरह से लिखना है। तो यहाँ पे सेव करेंगे तो देखो यहाँ पे गूगल डॉट लोकल हमारा ओपन हो के आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने ये चीज़ें डाली हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको डालना है अपना जो फाइल फोल्डर का नाम है, हमारा फोल्डर का नाम है गूगल डॉट लोक, सॉरी कौन सा फोल्डर नाम है, हमारा फोल्डर का नाम था HTTP के अंदर, HTDocs के अंदर थीम पोर्टल। इन फ्यूचर हमें कोई दिक्कत ना आए तो हम इसके लिए यहाँ पे लोकल होस्ट के अंदर डाल रहे हैं इस चीज़ को। यहाँ पे हम इसको लिख देंगे थीम पोर्टल। तो इसको अब हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। देन सेव करने के बाद एक मिनट, यहाँ पे इसको कोट्स में लिखना पड़ेगा, कोट्स में लिखने के बाद अब यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे। ठीक है, सेव करने के बाद अब आपको अपने जो आपका अपाचे है उसको फिर से रिस्टार्ट करना है। हमने स्टॉप किया और देन फिर से हमने यहाँ पे रिस्टार्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार फिर से इसको रिस्टार्ट रिलोड करके देखते पेज को। देखो अब ये यहाँ पे नहीं आ रहा है हमारा, ये यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये हमें थीम पोर्टल नहीं चाहिए क्योंकि हमने थीम पोर्टल को डायरेक्ट गूगल डॉट लोकल पर डाला है। तो हम यहाँ पे अब देखो गूगल डॉट लोकल को डालेंगे डायरेक्ट तो ये हमें इंस्टॉलर पर ले जाएगा। तो गूगल डॉट लोकल हमारा एक स्पेसिफिक फोल्डर के लिए आ चुका है। अभी हमारा पिछला क्या आ रहा था, हमारा पिछला आ रहा था थीम पोर्टल पे, और जैसे ही हमने अपाचे के होस्ट में वो कोड डाला देन थीम पोर्टल फोल्डर के लिए हमारा एक स्पेसिफिक डोमेन असाइन हो चुका है। तो इसको हम इस पर ओपन कर सकते हैं। तो सिंपल ये हमारा कंप्लीट सेटअप हो चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में वैम्प के लोकल होस्ट को चेंज करेंगे डोमेन में। अगर आपको आज की वीडियो धांसू लगी हो तो अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर अभी अभी आए हैं तो इस वीडियो के जस्ट नीचे एक लाल रंग का बटन आ रहा होगा, उस पर जस्ट क्लिक करना है आपको, और उस लाल रंग के बटन के साथ आपको एक नोटिफिकेशन या फिर घंटे के आइकन भी दिख रहा होगा, उस पर भी आपको क्लिक कर लेना है। उसका फायदा ये होगा कि मैं जब भी अपनी वीडियो पोस्ट करूंगा आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा और आपसे मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो मिस नहीं होगी। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। अब हम आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू सून।